हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। अभी भाई अपने पास गाड़ी आई हुई है, ये 1000 वेस्ट वाली सोलर टायर। इसका क्या है, एक टायर रिमोट टायर फट गया था। जो मैंने पिछली बार टायर दिया ना इसको रिमोट, उसमें एयर आ गई तो वो टायर अपना फट गया। और दूसरी ये वाली गाड़ी खड़ी है, इसको एक टायर देना है आगे का। आगे का टायर क्या है, मतलब इसका मतलब ख़त्म हो गया है, घिस चुका है, तो वो डालना है अपने को नया। तो अभी फ़िलहाल अपने पास रेडियल टायर नहीं था, तो ऑर्डर किया, रेडियल टायर आ रहा है, तो इसलिए गाड़ी खड़ी है। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा तो फिर इसको फिट करवाते हैं आगे का टायर। और ये गाड़ी को जो टायर देना था वो दे दिया। अभी क्या है, 16 टायर गाड़ी है ना, ये वजन कम भरती है। वैसे ये ज़्यादा भरती तो इसको नया टायर ही लगा देते, पर बहरहाल मैंने एक चीज़ देखी है, इन गाड़ियों को रिमोट टायर चलते नहीं, बिल्कुल नहीं चलते। मतलब कि अभी मानो ये अपना कौन सा टायर फट गया, ये 3रा टायर फट गया ये गाड़ी का। बट ये है कि कोई कोई रिमोट टायर क्या होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है, जो अच्छे से रिमोट हुआ होता है ना, उसमें एयर नहीं होती, तार वार नहीं टूटी होती, तो वो टायर चलता है। अभी ये टायर क्या है, इसके साथ के 2 टायर फट गए। अभी मैंने इसको 3रा टायर दिया है, अभी भी टायर अगर ये टायर नहीं चलता, फट जाता है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर डाल दूंगा नया सादा टायर नया डाल देंगे चारों। क्योंकि ये मानो ये टायर किसी और गाड़ी में 12 टायर में लिफ्ट में चलेगा दबा के, पर इसमें चल नहीं रहा है, क्योंकि एक तो वजन ज़्यादा होता है गाड़ी में। अभी मानो ये 37 टन 36 टन वजन भरती है, तो लिफ्ट के अंदर पूरा प्रेशर होता है, पूरा वजन आता है, तो उसकी वजह से शायद टायर चल भी नहीं रहा। और भाई दूसरी बात क्या है, रेडियल रिमोट टायर जो होता है ना, वो अभी जो अपना आदमी है रिमोट वाला, वो अच्छे से कर भी नहीं रहा। उसको 3 बार पहले बोल चुका हूँ, अभी 4थी बार फिर नया ही टायर फट गया और एयर लेके फटा। अभी तुम चेक क्या करते हो, अगर टायर में एयर आ रही है तो तुम लोग चेक क्या कर रहे हो, वो मेन प्रॉब्लम है। अभी ये टायर खुलवा रहा है तो इसको टायर डाल दे, अभी इसको टायर देना है एक आगे का, तो अभी देते हैं। और दूसरा अपना एक गाड़ी ये आई है खाली होके, इसका ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब डाइजेशन नहीं हो रहा और वोमिट बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अभी इसको भेजा है हॉस्पिटल। अपने जो सुरेश भाई हैं वो हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं उसको एमरजेंसी में, तो अभी वो गाड़ी को खड़ा कर दिया। उसका काम जो भी होगा वो, मतलब अभी वो गाड़ी तो जाएगी नहीं, अभी 3-4 दिन उसका पहले इलाज करवाएंगे ड्राइवर का अच्छे से, जब उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी, मतलब थोड़ी देर में फ़ोन करके पूछ रहे हैं कोई काम वाम होगा तो करवा देंगे, तब तक उसकी मतलब उसको एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में, क्योंकि वॉमिट हो रहा है ना, तो अपना ग्लूकोज जो भी फॉर्मेलिटी होगी वो पूरी होगी। तो अभी चलते हैं अपना रनौली नहीं जाना है, पहले जाना है अपने को सुभाष भाई की गैरेज पे, वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है एक्सीडेंट वाली, उस गाड़ी का देना है अपने ने सामान, क्योंकि मनोज भाई खड़े हैं वो गाड़ी का, सुभाष भाई का काम एकदम कंप्लीट हो गया है, तो पहले चलते हैं सुभाष भाई की गैरेज पे उसका काम ख़त्म करने। ओ भाई, सुभाष भाई ने काम ख़त्म कर दिया गाड़ी का, कम्प्लीट हो गया ना सुभाष भाई काम, एकदम कम्प्लीट, बचा तो नहीं ना कुछ भी काम, वो अंदर का पूरा काम हो गया ना, बोनेट का क्या चक्कर है, हैं? वो क्लिप नहीं आते, क्लिप नहीं आती, मतलब तो क्लिप लगाना दो लगा देंगे, क्लिप नहीं आती, क्लिप तो यार मनोज भाई अपना सुभाष भाई डालो, जो क्लिप डालनी है वो डाल दो ना, क्या हुआ है, बोनेट का बोनेट वो क्लिप है क्या, कौन सी वाली, वो थोड़ा ऊपर आ रहा है ना इधर से, वो क्रिकेट उठा रहा, नीचे से होल है, नीचे बैठ गया है पीछे, हाँ तो क्या हुआ, उठ जाएगा नहीं तो वहाँ पे ऐसे पतरा मार दो ना थोड़ा सा, और को मैं काटूंगा उसको थोड़ा, ठीक है, किनारी टूटी बोनट ही ना, हाँ वही किनारी क्रैक है ना, उसी की वजह से वो उठा हुआ है, तो उसमें थोड़ा पतरा मार दो, अब आ जाएगा उसको थोड़ा, हाँ नहीं है तो बाकी एक बार सेठ से पूछ लेते हैं नया डालना है तो, बीच से भी बोनट जो है ना दबाने पर दब जाए, टूटा हुआ है बीच से ना, तो कोई दिक्कत नहीं, टूटा हुआ है तो कोई, इतना इतना इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है ये गाड़ी का, एक साल और चलनी है, एक साल चलनी है, 10 साल तो पूरे हो गए गाड़ी के, जनवरी फरवरी मार्च में तो खत्म है इसकी कहानी, कौन सा क्या, हाँ तो वो बोला तो सही ना, वो कर देंगे अभी, कौन नहीं हो रहा है, तो अभी ये करके देंगे, बोल तो रहे हैं सामने, हम बोला तो बोलते नया मंगा दो, तब मैं बोला तुमको नया मंगा दो, एडवांस मत बोला करो तुम लोग, मैं बोला नया मंगा दो, वो लोग बोले हमको नहीं होगा, नया मंगा लो,
वो जिसका काम है वो काम करेगा, तुम्हें उससे क्या लेना देना। ठाका हो ना छोटा मोटा, ये यहाँ पे एक पट्टी मार दो ना छोटी सी बम्पर के साथ। क्या ये सेंसर है? प्रेशर सेंसर, हाँ टंकी का। सुभाष भाई एक बार क्या ना, पूरा वेल्डिंग देख लेना, एक बार पूरा चेक कर लेना, क्योंकि बार बार सर्विस होती नहीं गाड़ी, कुछ भी हो एक बार सर्विस पूरी देख के वेल्डिंग शेल्डिंग जो भी छोटा मोटा वेल्डिंग मार देना। अभी भाई ये पीछे से पीठ का भी, ये यहाँ से पतरा भी टूट गया था, इसको वेल्डिंग मार दिया, नट बोल्ट कर दिया, ये अपने को देना पड़ेगा फायर बाटला नया। ये यहाँ से फट भी गया, ख़राब भी हो गया, ये बाटला देना पड़ेगा नीचा। पीछे से ये पीठ, ये क्या पीठ पूरी पूरी टंकी के साथ अड़ गई थी ना, तो सीधी कर दी है, जहाँ से थोड़ा बहुत क्रैक था वेल्डिंग मार दिया, इसको निकाल दी भाई बाटले को, बाटला देना पड़ा नया। अभी अपने को डालना है ये कवर भी डालना है नया, अभी ये कवर डालना है अपने को नया, और इंटरकूलर, कवर इंटरकूलर और क्या डालना है, नट बोल्ट। एक बार खोल के चेक कर लो ना अच्छे से जो सामान चाहिए, बाकी तो सब पूरा ही है। हाँ तो खाली अपने को कवर डालना है और इंटरकूलर डालना है, और अपने को नट बोल्ट चाहिए, और उसके अलावा ढक्कन कहाँ गया इसका, कहाँ है, हाँ निकालो इधर, ढक्कन मिलता ही कहाँ है, पूरा ही मिलेगा, निकालो उसको बाहर देखे तो सही। अभी भाई मनोज भाई इसको खोल देंगे, तब तक अपना वायरमैन आ जाएगा, वायरमैन का भी सामान ला देंगे, सामान ला के दे देंगे, बाद में ये गाड़ी ये लोग काम कर देंगे, कंप्लीट हो जाए फिर इसको करवा देंगे कलर, क्योंकि कलर करवाने के बाद इसको लगवाना पड़ेगा कांच, क्योंकि कलर अपने को पूरे ही पूरा कैबिन करवाना पड़ेगा कलर। ये अपने ये पल्ला भी नया डाला, जाली नया डाला, और उधर वाला पल्ला भी नया डाला, ये मतलब पूरा नया डाल दिया। अभी इसमें जो नया डाला था अंदर, रेडिएटर डाला नया, और इंटरकूलर अपने को चेंज करना पड़ेगा, बाकी और छोटा मोटा जो सामान लगेगा वो तो ला के दे देंगे, एक ही बार तो काम अपना ख़त्म हो जाएगा, दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। अच्छा ये सर सुभाष भाई इसको रख इधर, मैं लेके जाता हूँ, मिलता है तो नया ले आएंगे, नहीं तो इसको पतरा मरवा देंगे। अरे मिलता ही नहीं है, अभी असेंबल कर दिया कई चीज़ों में, पता क्या कर दिया अभी सुभाष भाई, स्पेयर पार्ट में क्या नियम कर दिया, अभी चेंज कर दिया। एक चीज़ खरीदते ना पहले अलग अलग मिलता था, अभी असेंबल मिलता है पूरा, नहीं तो नहीं। और देखो भाई सुभाष भाई ने मूछें भी काली और सिर के बाल भी काले, बस सुभाष भाई ने क्या मतलब, सुभाष भाई क्या ही क्या हो गया ऐसा, मनी मेराज का दूसरा भाई किसका, मनी मेराज का कौन है भाई। भाई खुल गया सब, अभी ले आए सामान, छांट रहे हो इसमें से क्या क्या चाहिए। हाँ तू बता भाई क्या करना है, ओए तू बता क्या करना है, नया डालना है, हाँ तो ठीक है, तू एक काम कर, तू इसका मीटर चेक कर पहले कि मीटर में क्या क्या दिक्कत है, मीटर बॉक्स सही है कि नहीं है, मीटर प्लेट वो चेक कर ले, वेल्डिंग का काम हो गया ना, बैटरी मेरी बात सुन, बैटरी लगाओ ना तो उसका इनसे वेल्डिंग वेल्डिंग करवा लेना, कंजा कंजा हिले ना बैटरी, इधर उधर जाए ना, ठीक है बैटरी लगवाओ, फिट करवा और चेक कर पहले। चलो भाई बैटरी रखवा बैटरी गाड़ी में, अभी इसकी वायरिंग चेक कर लेते हैं एक बार, अगर मतलब अभी क्या है, अगर वायरिंग इसकी ख़राब है ना तो नया डाल दूंगा, अगर मानो 5000 की वायरिंग आएगी तो 2500 तो आएगा, आधा पैसा तो मिलेगा, और आगे चल के अपने ड्राइवर साहब रास्ते में खड़े हो जाएंगे, फिर मेरे को पूरा पैसा भरना पड़ेगा, तो अभी ये सोच के मैं काम करवा रहा हूँ कि कुछ भी डालूंगा सामान तो उसका आधा पैसा मुझे गाड़ी को मिलेगा, और आधा पैसा जब मिलेगा, मानो आधा पैसा अपने को मिला गाड़ी का, तो आधा पैसा मिलेगा तो भाई आधा ही मतलब नुकसान होगा। तो अभी इसको वायरिंग एक बार बैटरी रख के चेक कर लेते हैं, अगर ख़राब है तो वायरिंग नया डाल देंगे, मीटर प्लेट तो अपने को डालनी पड़ेगी, क्योंकि मीटर प्लेट क्या है टूट गई है, क्रैक हो गई है मीटर प्लेट, तो टूट गई है तो अपने को
नया ही डाल देंगे, मीटर प्लेट उसकी थी भी खराब है। कभी भी इंश्योरेंस में काम करवाते हैं ना, अगर पुरानी गाड़ी है, जैसे 5 साल से पुरानी गाड़ी हो जाती है कोई भी, तो उसमें काम भाई मेजर मेजर काम बंदे को करवाना चाहिए, अपने को इतना इंश्योरेंस नहीं मिलता है। अभी मानो मैं वायरिंग डालूंगा, 5,000 की वायरिंग का 2,500 मिलेगा, तो पर ये सोच के काम करवाने का हमेशा कि अपने को ये गाड़ी आगे कितने साल चलानी है। इंश्योरेंस में ऐसा नहीं हर चीज़ नया डाल दो, हर चीज़ नया डाल दो, ऐसा नहीं। जो चीज़ चलने वाली हो चलाओ जैसे वायरिंग है। अभी ये वायरिंग का मेरे को 5,000 का अभी मैं इसको डाल दूंगा तो मेरा आधा होगा नुकसान, पूरा नुकसान नहीं होगा। अभी मैंने पंखा नया डाल दिया, मैग्नेट का पैसा मेरे को 7,000 पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा पैसा। इसका पैसा पूरा मिलेगा 3,000, बेल्ट का पैसा पूरा मिलेगा, और बाकी ये पाइप, ये जो रबड़ पार्ट है ना, इसका पैसा अपने को नहीं मिलता भाई। रबड़ पार्ट का पैसा नहीं मिलता, जो 5 साल से पुरानी गाड़ी हो जाती है, रबड़ पार्ट का 1 रुपया नहीं मिलेगा अपने को। तो बाया हाल अपना क्या है कि एक बार पूरा गाड़ी कंप्लीट कर देंगे, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं। अभी 2 साल कम से कम 2 साल ये गाड़ी चलेगी, 2-2.5 साल। तो 2-2.5 साल देख के ही, वही चीज़ को देख के आप लोग इसका काम कर रहे हैं। अभी अपने को रेडिएटर का पूरा पैसा मिलेगा, बाकी और छोटा मोटा जो भी सामान ला के देना है ला देते हैं मनोज भाई को। अभी ये फिटिंग कर देंगे और शाम तक अपनी गाड़ी रेडी करके स्टार्ट कर देंगे, तो शाम तक स्टार्ट हो जाएगी, तो काम अपना कंप्लीट हो जाएगा और कल अपना इसको लगा देंगे कलर पे। अभी ये क्या वाइट कलर तो है ही है, पर हल्का फीका है, तो इसके ऊपर कलर हो जाएगा, तो गाड़ी ऊपर पूरी छत करवानी है कलर। कलर का भी अपने को क्या है कि अगर 5,000 लगता है तो 5 में से अपने को 3,000 तक मिलेगा, मतलब 1/3 हिस्सा कट जाता है, 3/3 हिस्सा मिलता है, उसी हिसाब से करेंगे। सीधा कर दिया अभी फ्रेम, सीधा कर दिया। अभी अपने को कवर भी लेके आना है। अभी हमने सामान ले लिया अपना पूरा, वायरिंग लाइटें वाइटें पूरा ले लिया, डिग्गी अपनी भर गई, और बाकी जो कवर के लिए इतनी देर से खड़े थे, इन्होंने ज़्यादा टाइम लगाया, इन्होंने, ये जो है ना काम कम करते हैं टाइम ज़्यादा लगाते हैं। सुरजीत सेठ के यहाँ से सामान लेके निकल गए, सीधा सुभाष भाई की गैरेज पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जाके सामान छोड़ दूंगा अभी, और इनको भी छोड़ दूंगा, ये लोग अपना काम करते रहेंगे। और ज़्यादा टाइम अपने को लग गया कवर के लिए, और इंटरकूलर लेके अपना जो रेडिएटर वाला बंदा है ना, उसके पास इंटरकूलर रखा था एक, तो वो इंटरकूलर लेके आ रहा है, तो अभी इंटरकूलर मतलब मनोज भाई को भी पूरा सामान दे दिया, और इलेक्ट्रिशियन को भी दे दिया भाई पूरा सामान। अभी बस इन्होंने फिटिंग करनी है, और मेरे को जाना है, मेरे को जल्दी इस वजह से मेरे को जाना है नंदेश्वरी JIDC पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्या है, कुछ दिन पहले ना अपनी गाड़ी जा रही थी रोड के ऊपर, 12 टायर गाड़ी थी, नई गाड़ी रोड के ऊपर जा रही थी, पीछे एक बाइक पे 3 लोग थे, 3 लोग बैठे हुए, पीछे से ले जाके बम्फर में गाड़ी मार दी, और ड्राइवर को पता ही नहीं लगा। अभी पीछे इतनी बड़ी गाड़ी है, पीछे बम्फर में ले जाके किसी ने गाड़ी ठोक दी, और ठोकने के बाद वो रोड पे गिर गए, गाड़ी अपनी चली गई, गाड़ी चली गई, तो उनके चोट चूट लगी, तो किसी ने पुलिस केस किया। तो अभी कैमरे में देखा तो गाड़ी कौन सी है, तो गाड़ी का पता लगा कि भाई ये गाड़ी है, तो उनका फोन आया, डिटेल निकली तो उनका फोन आया, तो बोला ऐसे ऐसे गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे बंदों ने गाड़ी मारी है, तो उनके चोट लगी है, तो सीरियस थे, तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, और ड्राइवर को भी और गाड़ी को भी लेके। तो बोला भाई अब अपनी क्या गलती है, पीछे से ले जाके, एक तो वो 3 सवारी बैठे हुए थे, 3 जाने थे एक बाइक के ऊपर, और पीछे से ले जाके उन्होंने गाड़ी मारी, पीछे से ले जाके गाड़ी मारने के बाद, तो इसमें अपनी ड्राइवर की भी क्या गलती है और अपनी भी क्या गलती है। बोले नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है, बट हुआ है तो एक्सीडेंट है, पुलिस केस हुआ है, तो आपको आना तो पड़ेगा ही, तो उसी के सिलसिले में गाड़ी तो मैंने भेज दी है, ड्राइवर भी भेज दिया है, वो खड़े हैं उधर, बस अभी मैं सामान छोड़ के, मनोज भाई को और इन दोनों को छोड़ के मैं सीधा जाऊंगा नंदेश्वरी JIDC, तो जाके देखते हैं भाई पुलिस वाले क्या बोलते हैं। कार्रवाई तो देखो करवानी पड़ेगी, अगर केस हुआ है तो भाई उसका गाड़ी का देखते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि कानून के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अभी बताओ ये जो गाड़ी अभी पीछे बम्फर में ले जाके कोई आदमी मार देगा, तो अभी बताओ ड्राइवर का क्या गलती इसमें, क्या कसूर है, और हमारी गाड़ी का क्या कसूर है। गाड़ी ने बोला कि लाओ भाई बाइक पीछे लाके मार दो, ऐसे मतलब लोगों को ध्यान से चलना, बाइक वाले ये ध्यान से मतलब 3 जाने यार भगा रखी थी, अलग कैमरे में सब आ रहा है, सब रिकॉर्डेड है, कि मतलब जो रोड के ऊपर जो कैमरे होते हैं ना उसमें पूरा लग रहा है पता कि पीछे से स्पीड में ले जाके उन्होंने गाड़ी मारी है। मैंने लॉक सेंसर देना था, वो रहे राजू भाई, उनको दे दिया। राजू भाई क्या है, इधर मैकेनिकों के सबके हेड है, जितने मैकेनिक है ना उनके सबके हेड है वो। तो अभी एक सेंसर जो फ्राईव्हील वाला डालना था ना, वो पहले महंगा था, बट ये खड़ी अपनी गाड़ी, पहले पहले जो था ना सेंसर वो महंगा था,
पहले फ्राइबल सेंसर अपने को पड़ता था कुछ 2500 रुपए का आता था, कुछ 2700-2800 का, और अब राजू भाई बता रहे थे कि 1200 का सेंसर है वो, कुछ मतलब 1150 रुपए का। तो लॉक सेंसर तो दे दिया वो, मैंने उनको बोला मैं भाई भी इतनी दूर जाऊंगा लेने, फिर लेने आऊंगा, 1100 रुपए का तो है, कम से कम वारंटी तो रहेगी, नया तो डाल देंगे। तो अभी वो उसको नया डाल देंगे, ये भी डाल देंगे, और गाड़ी में लैपटॉप लैपटॉप लगा के कैलिब्रेशन करके एकदम रेडी कर देंगे। सुबह क्या करूंगा, सुबह इसका एवरेज निकालूंगा खाली गाड़ी का। अगर खाली गाड़ी ने 5 का एवरेज दिया, मतलब 5.5 तक एवरेज दिया, 5 पकड़ूंगा मैं, 5.5 दिया ना तो 5 पकड़ेंगे, 5 का एवरेज दिया तो मतलब गाड़ी एकदम ओके। क्योंकि उसका कहना तो ये था कि भारी खाली गाड़ी भी ऐसे चलती है कि खाली गाड़ी, मतलब मेन क्या, खाली गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, सबसे बड़ा कहना तो उसका ये था। तो अभी अपने को फिलहाल खाली का एवरेज निकालेंगे, अगर संतुष्टि नहीं लगी ड्राइवर की कि भाई नहीं मजा नहीं आया, नहीं हुआ कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर भरी का, फिर मैं भरी का भी निकाल के दूंगा एवरेज, क्योंकि अपने को लफड़ा चाहिए ही नहीं ड्राइवर का, 1 रुपए लफड़ा नहीं चाहिए मुझे ड्राइवर का भाई, कि तू क्लियर करके जा इधर से, क्योंकि वहां से यहाँ गाड़ी आती है 30-40 लीटर डीजल का नुकसान, आज 3 दिन से गाड़ी खड़ी है और जान दुखी हुई पड़ी है वो अलग, क्या भाई इतना खर्चा करने के बाद भी गाड़ी ना चले तो हमारा मन क्या कहता होगा, दुखी हो जाते हैं हम, परेशान हो जाते हैं, मतलब मन बड़ा दुखी सा होता है कि इतना खर्चा कर दिया यार गाड़ी फिर खड़ी है हमारी। अभी चलते हैं सोनू को सामान देने के लिए, अभी जो अपनी गाड़ी है ना, जो सोनू के पास गाड़ी लगी थी पाटे वाली, उसका सामान मैंने ले लिया है, अभी सोनू को सामान देना है, फिर वहां सामान दे के मैं फ्री, फिर सीधा जाना है पुलिस स्टेशन, जो अपना काम है पुलिस का वो खत्म करना है जाके। ये काम होते हैं भाई बढ़िया आदमियों के, इन्हें कहते हैं हैवी आदमी, हैवी ड्राइवर और हैवी काम, बिना बात के बीच रोड में गाड़ी लेके खड़ा है बंदा, ये वो रहा ड्राइवर, ड्राइवर नहीं मालिक लग रहा है ये तो, गाड़ी का ड्राइवर नहीं है मालिक ही है खुद, बताओ बीच रोड में। अभी उधर से 2 दुकानदार आए, इसको बोला MH की गाड़ी है, 2 बार इसको बोला कि भाई इसको गाड़ी को थोड़ा साइड पे कर ले, अभी मुझे जाना है पाटा देने के लिए उधर, पाटा देने के लिए, तो ये बीच में खड़ा है। अभी ये बताना है कि ये जो मार खाने वाले काम करते हैं ये हकीकत में नहीं करते, हकीकत में करते हैं कि गलत करते हैं। कोई टायर नहीं खुला इसका, कोई कुछ नहीं खुला, हवा चेक करानी है, और ये जो टायर वाला है ना ये भी साला 1 नंबर का रामी आदमी, मतलब बिल्कुल नहीं इनको दिखता कि मतलब गाड़ी एक साइड पे, ट्रक वाले को 4 बार हॉर्न मारा कि भाई साइड कर ले, वो बोलता है टायर वाले ने बोला यहां लगाने के लिए, टायर वाला बोलता है कि ट्रक वाला बोल रहे, जो ट्रक ड्राइवर है वो बोल रहा है मैं यहीं पे करवाएगा, मैं आगे पीछे नहीं करेगा, नहीं तो मैं गाड़ी आगे लेके जाएगा, बताओ मतलब क्या बोले यहां पे, बताओ मतलब एक अभी हम ट्रांसपोर्टर हैं तो हम लोग चल यार छोड़ पड़े, ड्राइवर है बाहर का आदमी है बोलेगा, बताओ इधर आके क्या हमें गलत सलत बोल रहे हैं, बताओ ये सही है क्या गलत है, कमेंट करना। हुआ विजिट ऑफ वर्कशॉप आ रहा है, तो तू इतने महीने वहाँ पे क्या कर रहा था खड़ा हुआ, नहीं नहीं इतने महीने से गाड़ी क्यों खड़ी थी वहाँ पे, अच्छा वहीं से था, अच्छा चल रहा था, वाले टायर ने रबड़ छोड़ दी, बता ये कॉन्टिनेंटल का टायर है, ये अभी तक नहीं घिसा, ये गाड़ी के साथ का, ये गाड़ी के साथ का टायर है, 1 लाख कितना चल गई गाड़ी, गाड़ी कितनी चल गई, 2 लाख चल गया भाई टायर, ये कॉन्टिनेंटल, ये उड़ता, ये जब फट जाते हैं तो फट जाते हैं, नहीं चलते तो ये तो खिसते ही नहीं है, वो एक चक्कर भर के लेके आ, पर वो पता ना लगे उनको, कर देंगे रिजेक्ट, पता चले रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट ना कर दे, ध्यान से भर के लाई फिर देखते क्या करना है।
थोड़ी अलाइनमेंट आउट लग रही है यार। मेरे को लग रहा है इसकी अलाइनमेंट आउट है। मेरी बात सुन ओए, इधर आ इधर, मेरा इसका अलाइनमेंट आउट है इसकी, इसका ट्राले का। चेक क्या कराना पड़ेगा, आउट है वह, देख टायर को तो काट रही है वो। एक काम कर, लोडिंग कितना अच्छी चालू है वहां पे जामनगर, कितने पहली वाली गाड़ी कैसे भर रही है, वो तो ऑनलाइन चल रहा है, मतलब तुरंत जो पहले चल रहा है वो जाता है भर के आ जाता है। अच्छा आगे का वो साइड का किनारा थोड़ा-थोड़ा दबा रहे हैं, वो तो कोई बात नहीं यार। ये ट्राले का अलाइनमेंट आउट है, वो अंदर वाला काट रहा है, वो तभी उधर से टायर उखड़ा है। अभी ये गाड़ी आई है इतने दिनों बाद, इसके अलाइनमेंट आउट है ट्राले की। अभी इसकी ट्राले की वो टायर क्या काट रही है, गाड़ी टेढ़ा हो रखा है ना, तो अभी उसकी अलाइनमेंट करवानी पड़ेगी। और इधर से ये टायर भी उखड़ गया, और एक इसमें आ रही है लाइट, और दूसरा चालू है ऑनलाइन, तो गाड़ी भी जाते सर भर जाएगी। तो अभी आदमी करे तो करे, क्या करे, समझ में नहीं आ रही बात, क्या करे। ओ भाई, अभी पुलिस स्टेशन का काम पूरा ख़त्म कर दिया है, और सेठ को छोड़ दिया है अपना गाड़ी के पास, छाणी ऑफिस के नीचे उनकी कार खड़ी थी, वो चले गए वहाँ से घर, और मैं जा रहा हूँ ऑफिस पे। जो अपनी भारत बैंक गाड़ी है उसका काम हो गया था, उसको भेज दिया ऑफिस से, उसका क्या एवरेज निकालना है, तो उसको ड्राइवर को बोल दिया भाई टंकी वंकी जोड़ के रेडी रखी, सुबह 9 बजे कंपनी लेके जानी है भारत बैंक में गाड़ी, तो सुबह 9 बजे भारत बैंक जाएगा और अपना सुबह एवरेज खाली गाड़ी का पहले निकाल लेंगे एवरेज, फिर उसके बाद भरी गाड़ी का। एक बार क्या गाड़ी चलेगी तो अपने को महसूस भी हो जाएगा, पता भी लग जाएगा कि भाई गाड़ी सही चल रही है कि गलत चल रही है, क्या हिसाब है। और भाई पुलिस स्टेशन में तो इतना टाइम, मानो 4 बजे से पुलिस स्टेशन में गए हुए 8:30 बज गए, 8:15 हो गई, 8:15 को मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, मतलब इतना टाइम लग गया। और बिना मतलब कोई गलती नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, ड्राइवर की कोई गलती नहीं, तीसरे आदमी ने दारू पी के पीछे से ले जाके गाड़ी मार दी, बस उसमें हमारे को इतने घंटे बैठना पड़ा। पूरी कार्रवाई करवा के आए, सारे पेपर वर्क, पूरी गाड़ी के पेपर सब कुछ कंप्लीट करके फिर वहाँ से अब आए। और भाई अपनी जो गाड़ी का पार्टी का काम था, उसका पार्टी का भी काम हो गया, उसको टायर देना था एक आगे का नया, तो आगे का टायर मैंने फ़ोन पे ही दे दिया, क्योंकि मेरे को वहाँ पे लगा कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इस वजह से मैंने उसको भाई टायर फोन पे ही दे दिया। मैं भाई इसको एक टायर दे दो, और ड्राइवर को बोला भाई एक टायर लगा और जा, अगले चक्कर आई तो दूसरा टायर लगा ली, अभी थोड़ा बहुत तो काम है, चलेगा एक आध चक्कर तो चलना ही है, बोला ठीक है भाई जा रहा हूँ। तो अभी एक बार फिर ऑफिस जा रहा हूँ, देख लेता हूँ, कभी ऐसा भी है ना कि कभी ऑफिस पे खड़ा हो, अगर खड़ा होगा तो उसको दे देंगे। एक जो अपनी दूसरी गाड़ी थी BS6, जिसको मैंने अलाइनमेंट के लिए भेजा था, उसका अलाइनमेंट तो हो गया, बट उसका DP सेंसर खराब है गाड़ी का, विजिट ऑफ वर्कशॉप आ रहा था डैशबोर्ड में लिखा हुआ, बाद में क्या गाड़ी रस्ते में खड़ी हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, फिर ड्राइवर बोलते हैं भाई चेक लाइट आ गई, रस्ते में खड़ी हो गई, डीजल ज़्यादा खा के खिंचाई नहीं कर रही, ब्रिज नहीं चढ़ रही, तो उसको भाई मैंने सीधा कंपनी में खड़ा करवा दिया टाटा में। जो Phase 1 गाड़ी है ना, उसमें विजिट ऑफ वर्कशॉप की बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई, DP सेंसर बहुत जल्दी ख़राब होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है DP सेंसर, बहुत जल्दी। तो अभी DP सेंसर के लिए, उसका DP सेंसर इन्होंने 1 महीना पहले ही डाला था, पर फिर ख़राब हो गया मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। तो अभी मैंने गाड़ी फिर कंपनी में भेजी है, अभी वो लोग कर देंगे, सुबह करवा के फिर चला जाएगा, और अलाइनमेंट भी होगी तो अपने मन को क्या एक बार तसल्ली होगी भाई, अलाइनमेंट अलाइनमेंट भी हो गई, गाड़ी चलने दो, कोई और दिक्कत आएगी तो फिर उसके बाद देखेंगे। 1.5 महीना तो बॉम्बे में ही चलती रही गाड़ी, अभी 1.5 महीने बाद आई है इधर, तो अभी ऑफिस पे देख लेते हैं। और एक्सीडेंट वाली जो गाड़ी थी उसका सारा काम हो गया, इंटरकूलर दिया, बस इंटरकूलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, उसका इंटरकूलर ही फिट नहीं हुआ, बस गाड़ी का जो इंटरकूलर आप लोगों ने मंगाया था नया, वो इंटरकूलर क्या है थोड़ा बड़ा आ गया, चौड़ा आ गया, क्योंकि एक दो टाइप के आते हैं इंटरकूलर,
तो चौड़ा आने के कारण ना फिट नहीं हो पाया। तो अभी क्या करेंगे, इंटरकूलर दोबारा मंगाया नया, तो वो 10:30-11 बजे तक इंटरकूलर आएगा, 10:30-11 बजे तक। फिर उसके बाद उसको फिट करके फिर निकालेंगे, कल गाड़ी को निकालेंगे। अभी ऑफिस पे 86-76 टायर लगा रहा है उधर अपना, वो ड्राइवर भी बेचारा अपना बीमार है। एक ड्राइवर बीमार था बहुत ज्यादा, उसको फूड पॉइजन हो गया था, उसको एडमिट कर रखा था हॉस्पिटल में, तो उसको पूरा दिन हॉस्पिटल में रखा, अब जाके उसको डिस्चार्ज मिला, तो 2 दिन वो आराम करेगा, फिर उसको बाद में भेजेंगे। और ऑफिस पे कहीं कोई गाड़ी, अपनी कोई गाड़ी, ये सब गाड़ी तो खड़ी रहेंगी। और इधर वाली कौन कौन सी गाड़ी खड़ी है, 36-18 ये सब खड़ी रहेंगी, नई गाड़ी भी खड़ी रहेगी। चलो भाई अभी कुल मिला के कोई गाड़ी जाने वाली नहीं है, जितनी गाड़ी खड़ी है सब सुबह चली जाएंगी, और वो घोड़ा, वो जो टंकी खड़ी है वो घोड़ा जाएगा सुबह। ये घोड़ा आने वाला है अभी, भारत बेंच घोड़ा है ये वाला, ये टंकी जोड़ के लेके जाएगा। तो अभी निकलते हैं, कल मिलेंगे भाई नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और भाई सारयां नूं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ओके बाय बाय बाय।